हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू फंड्स वेस्टिंग। ज्यादातर लोग अपने पैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम मिलती है, रिस्क कम होता है और ये हाईली लिक्विड होते हैं, यानी आप जब चाहें एफडी में से अपना पैसा निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बताएंगे जो आपको ये तीनों फायदे तो देता ही है, साथ ही साथ ज्यादा रिटर्न्स भी देता है। तो आज हम आपको बताएंगे डेट फंड्स के बारे में। डेट फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें कि डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। जिस तरह इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कंपनीज के शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह डेट म्यूचुअल फंड आपका पैसा कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, SBI मैग्नम अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड एक डेट फंड जो कि बड़ी बड़ी एंटिटीज के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जहां एक फिक्स डिपॉजिट से आपको 6-7% का रिटर्न मिलता है, वहीं आप देख सकते हैं कि इस डेट फंड का 1 साल, 3 साल और 5 साल का एवरेज रिटर्न 8.70%, 7.66% और 7.88% है। यानी ये डेट फंड कंसिस्टेंटली एफडी से ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। डेट फंड्स का रिटर्न 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है इंटरेस्ट। डेट फंड ने जिन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है उन पर एक फिक्स्ड रेट पर इंटरेस्ट मिलता है। अब अगर SBI मैग्नम डेट फंड सभी सिक्योरिटीज को मैच्योरिटी तक होल्ड करे तो फंड को 6.51% तक का रिटर्न मिलेगा, जिसे कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। इस फंड की एवरेज मैच्योरिटी 0.52 ईयर्स है, यानी लगभग 6 महीने। ये डेटा आप वैल्यू रिसर्च या ग्रो की वेबसाइट पर देख सकते हैं। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि फंड हाउस इन सभी सिक्योरिटीज को मैच्योरिटी तक होल्ड करे, इन्हें मैच्योरिटी से पहले भी बेचा जा सकता है। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स जैसी सिक्योरिटीज के मार्केट प्राइस में उतार चढ़ाव आता रहता है। इन सिक्योरिटीज की वैल्यू मार्केट के इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करती है और इन दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है। अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स के प्राइजेस बढ़ जाते हैं, और अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो बॉन्ड के प्राइजेस गिर जाते हैं। और दोस्तों, बॉन्ड की मैच्योरिटी जितनी दूर होगी उतना ज्यादा चेंज आएगा बॉन्ड के प्राइजेस में। जब भी बॉन्ड के प्राइजेस बढ़ेंगे तब म्यूचुअल फंड्स और यूनिट होल्डर्स को फायदा होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड की NAV भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर बॉन्ड के प्राइजेस गिर गए तो म्यूचुअल फंड की NAV कम हो जाएगी और यूनिट होल्डर्स को नुकसान होगा। इससे आप डेट फंड से जुड़े रिस्क को भी समझ सकते हैं। इसलिए इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइजेस के इनवर्स रिलेशन को देखते हुए हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप शॉर्ट मैच्योरिटी यानी जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम है उन फंड्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करें। इनमें आपको 7-9% तक का काफी स्टेबल रिटर्न मिल पाएगा और शॉर्ट टर्म में होने के कारण इंटरेस्ट रेट में हुए चेंजेस इन बॉन्ड्स के प्राइसेस को ज्यादा अफेक्ट भी नहीं करेंगे। इसके अलावा डेट फंड में क्रेडिट रिस्क भी होता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। SBI मैग्नम फंड ने 86 कंपनीज के बॉन्ड्स में पैसे इन्वेस्ट किए, यानी 86 कंपनीज को लोन दिया। तो अगर इन 86 कंपनीज में से किसी एक कंपनी ने भी पैसे वापस नहीं चुकाए तो म्यूचुअल फंड और यूनिट होल्डर्स दोनों को नुकसान हो सकता है। इस तरीके के रिस्क से बचने के लिए हम उस म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसने हाई क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनीज में इन्वेस्ट किया है और साथ ही इन्वेस्टमेंट अच्छे से डाइवर्सिफाइड है। तो दोस्तों, डेट फंड को जानने के बाद आप ये समझ ही गए होंगे कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें रिस्क कम होता है, जिससे कि आपके पोर्टफोलियो में आने वाले इक्विटी, रियल एस्टेट, गोल्ड जैसे रिस्क की इन्वेस्टमेंट्स के साथ जुड़कर ये आपका ओवरऑल रिस्क कम करता है। साथ ही बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के कंपैरिजन में इसके पोस्ट टैक्स रिटर्न्स भी अच्छे और स्टेबल होते हैं, और आप जब चाहें डेट फंड में से पैसे निकलवा भी सकते हैं। इसलिए हम डेट फंड्स उन इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करेंगे
जो कम रिस्क में रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं। आज के लिए तो बस इतना ही।